हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है, ये आपसे बात करना चाहते हैं और इनका फोकस तो इनके करियर पर भी बहुत ज़्यादा है। जो भी काम करते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा भी ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है लंबे समय से यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, कोई बातचीत हो नहीं पा रही थी, तो यहाँ पर इसीलिए ऐसा है कि ये अब बात करना चाहते हैं आपसे। और हो सकता है गाइस कि कुछ के पर्सन का कॉल मैसेज आ भी चुका है, बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन यही है कि आप अब इनसे कमिटमेंट चाहते हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है अभी इनकी लाइफ में और किसी न किसी दुविधा में भी ये इंसान फंसे हुए हैं। और इनकी कोशिश यही है गाइस कि इनकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं उसको ये दूर कर सकें, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कुछ भी ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इनको यही लगता है गाइस कि अब आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है और आप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया, ये भी इनको लगने लगा है। और इसी वजह से ये अभी आने वाले टाइम में आपको खुद कॉल मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र भी हो रही है, आप कैसे हो, किस हाल में हो, ये अभी इनके दिमाग में चल रहा है। क्लियरिटी आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं है गाइस, और ये दो सिचुएशन में फंसे हुए भी दिखाई देते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी ये इंसान हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इस वक्त इनके लिए इनका काम, इनका पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूसरी तरफ परिवार है, और इन्हीं सब में उलझे होने की वजह से ये क्या है, आपको आपके साथ रिश्ते को ले जाने के बारे में ऐसा है कि आपसे कोई भी बात नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परिवार भी दिखाई दे रहा है और इनका काम पैसा ये इन सब में भी उलझे हुए हैं। अभी ये सब चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अभी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है गाइस, जिसको आपके आपसे पूरी तरह से छुपाया जा रहा है, ये नहीं चाहते कि आपको कुछ भी पता चले। और ये इन सब चीज़ों को इसलिए भी नहीं बताना चाहते गाइस कि इनको लगता है आप कोई मतलब नहीं है आपसे कुछ भी बोलने का, कहने का, क्योंकि वही है काफ़ी समय से यहाँ नो कॉन्टैक्ट चल रहा होगा। और वो इनको ये भी लगता है कि अब तो आप बदल चुके हैं, तो इनकी बातों में को सुनने में आप इंटरेस्टेड भी नहीं रहेंगे ना, अब आपका इनमें इंटरेस्ट है, ऐसा इनको लगता है। तो और या फिर इनको ये भी लगता है कि कहीं इनकी लाइफ में जो चल रही हैं परेशानियाँ या जो भी समस्या है, अगर ये आप तक पहुँच गया, ये बात आप तक अगर ये बात कहीं से भी पहुंचती है, तो फिर आपको क्या लगेगा कि आपके साथ गलत किया, तो बस उसी की कर्मों की सज़ा मिल रही है इनको। तो इसीलिए भी ये सब ये नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो बात आप तक पहुंचे। इनकी इंट्यूशन इनको ऐसा गाइड कर रही है गाइस कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं हो, आप परेशानियों में घिरे हुए हो, तो बार बार इनके दिमाग में यही चल रहा है और इसीलिए आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। और इसीलिए गाइस ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये पूछताछ करना चाहते हैं कि जो इनकी इंट्यूशन इनको बता रही है, क्या ये सब ऐसा आपके साथ चल रहा है, या आपकी तबीयत ख़राब है, या आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, बार बार इनको ऐसा ही लग रहा है। और अभी हो सकता है गाइस कि अपन ये इंसान किसी से सलाह भी ले रहे हैं, कोई ऐसा इंसान है इनके साथ जो इनसे उम्र में बड़ा भी है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, और यहाँ पर उससे ये सलाह ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए आप दोनों के रिश्ते के लिए। और यहाँ पर ऐसा भी है कि हो सकता है इन्होंने किसी ज्योतिष वगैरह से ये मिले हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ ये जानकारी ले रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे इनको क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, तो ऐसा ये किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से जानकारी ले रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। इस वक्त में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं ये इंसान, लेकिन हो सकता है गाइस कि इनके घर में कोई ऐसी महिला है, ये इनकी माँ हो सकती है, बहन हो, कोई भी ऐसी महिला है जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं,
अब वो कौन है ये फीमेल आपको पता होगा, यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी कोई फीमेल है और जिसकी वजह से ही ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार ये आपसे करते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपकी फ़िक्र भी कर रहे हैं, पर कारण है ये महिला। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी चलता है गाइस कि ये आपको कमिटमेंट दे ही नहीं सकते, रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं, तो फिर बात करके फ़ायदा क्या है। लेकिन ये आपसे बात किए बिना रह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको यही लग रहा है कि आपकी तबीयत सही नहीं है, आपके परिवार में कोई बीमार चल रहा है, तो इसके लिए ये बात भी करना चाहते हैं। फिर आप में बदलाव आ गया है, इसको देख कर भी इनको यही लगता है कि रिश्ते को आगे ले जाना अब तो मुश्किल हो चुका है। और हो सकता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी फीमेल यहाँ पर दिखाई देती है, इसने आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए हैं, किसी न किसी तरह से बस उसका यही था कि वो आप दोनों को अलग करे, और ये ऐसा हुआ भी, आपके पर्सन भी आपसे खुद ही दूरी बनाए और ये उस महिला की बातों में भी आए, ये भी हुआ है पास्ट में। और अभी हाल फिलहाल में ऐसा है गाइस कि उस महिला से इनकी फ़ाइट हो रही है, उससे इनकी अब नहीं बन रही है ऐसा यहाँ दिखाई देता है, जिसकी बातों में ये आए थे, जिसकी वजह से ये अभी तक आपको कमिटमेंट भी नहीं दिए, उसी से भी इनका रिश्ता ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है गाइस, अभी तो ऐसा है कि कांटेक्ट तो ये करेंगे लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट वगैरह दिखाई नहीं देता। ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये इंसान को क्लैरिटी मिले या आपको कमिटमेंट दे, लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पर वही है कि कॉल मैसेज तो आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारे सवाल जो इनके मन में है उसकी वजह से भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी फ़िक्र है इसलिए भी बात करना चाहते हैं, तो नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कमिटमेंट के लिए गाइस आपको 3 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये जल्दी होने वाला तो नहीं है। कांटेक्ट भले ही जल्दी हो जाएगा, 15 से 20 दिनों में एक कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट चाहिए तो इसके लिए कम से कम 3 महीनों का समय और लग सकता है। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।